रेड लाइट एरिया देह व्यापार कॉल गर्ल्स, सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है कि ऐसा कोई देश नहीं जहां रेड लाइट एरिया यानी कि देह व्यापार नहीं होता है। किसी देश में छुपकर तो किसी देश में खुलेआम देह व्यापार होता है और इनकी कमाई अरबों खरबों में होती है। किसी किसी देश में ये इनलीगल है फ्रेंड, लेकिन किसी किसी देश में ये पूरी तरह से लीगल भी है और वहाँ एक ये सेफ बिजनेस माना जाता है। तो फ्रेंड, इंटरेक्ट आइडिया के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के ऐसे 12 देश जहाँ पर देह व्यापार यानी रेड लाइट एरिया बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और कौन से देश में ये कानूनी रूप से वैलिड है और कानूनी रूप से इनवैलिड है, और जानेंगे उनकी कमाई के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 12 पे है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में देह व्यापार गैर कानूनी है फ्रेंड, इसे नैतिक अपराध भी माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया में देह व्यापार काफी फैला हुआ है और संगठित है। यूनिसेफ के मुताबिक इंडोनेशिया में देह व्यापार से जुड़ी 30% युवतियां नाबालिग है और इंडोनेशिया में 2.25 अरब डॉलर की कमाई करती है, मतलब 2.25 अरब डॉलर की कमाई इंडोनेशिया रेड लाइट एरिया से होती है। नंबर 11 पर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में देह व्यापार के अड्डे को आम तौर पर सेक्स रूम कहा जाता है। इसे सरकार से मदद भी मिलती है, यह शहर के केंद्र से थोड़ा बाहर बनाए होते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि शावर, लॉकर, डेस्क और वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ें वहाँ पे लगाई गई है। स्विट्जरलैंड में रेड लाइट एरिया से कमाई 3.5 अरब डॉलर होता है, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है। नंबर 10 पे है तुर्की। तुर्की में देह व्यापार कानूनी है, लेकिन देह व्यापार को बढ़ावा देना प्रतिबंधित है। तुर्की का आप्रवासन कानूनी देह व्यापार के लिए तुर्की आने की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की 10वें नंबर पर है और तुर्की का रेड लाइट एरिया का कमाई है 4 अरब डॉलर, जो कि दो देशों से आगे है। नंबर 9 पर है फिलीपींस। देह व्यापार फिलीपींस में गैर कानूनी है, लेकिन सब जानते हैं कि फिलीपींस सेक्स टूरिज्म के लिए किस हद तक बदनाम है। फ्रेंड, फिलीपींस में ज़्यादातर जो टूरिस्ट है सेक्स करने के लिए जाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। और फिलीपींस में माना जाता है कि ज़्यादातर जो टूर पे जाते हैं वो सेक्स करने के लिए जाते हैं। और फ्रेंड, फिलीपींस में जो सेक्स का बाज़ार है वो 6 अरब डॉलर है, मतलब फिलीपींस 6 अरब डॉलर की कमाई करती है। और नंबर 8 पे है थाईलैंड। यह देश भी सेक्स टूरिज्म के लिए मशहूर है। थाईलैंड में देह व्यापार कानूनी है, यहाँ खास जगहों पर ही देह व्यापार की अनुमति है। स्थानीय अधिकारी कभी कभार यौन कर्मियों की रक्षा भी करते हैं। वियतनाम युद्ध के बाद ही थाईलैंड सेक्स टूरिज्म के लिए मशहूर हुआ था फ्रेंड, और थाईलैंड में 6.4 अरब डॉलर की कमाई होती है यहाँ के रेड लाइट एरिया से, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है फ्रेंड, 6.4 अरब डॉलर। आप कभी कैलकुलेट कीजिएगा बैठकर। और नंबर 7 पे है भारत। आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत में देह व्यापार से जुड़ा कानून बड़ा उलझा हुआ है। पैसे के लिए सेक्स करना कानूनी है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर होटल में ऐसा करना, अड्डा चलाना या इसे बढ़ावा देना गैर कानूनी है। निजी आवास में बालिग के साथ आपसी सहमति से सेक्स करना कानूनी है यहाँ पे। और भारत की कमाई देह व्यापार से 8.4 अरब डॉलर है, जो बाकी पहले 4 देशों से कई गुना ज़्यादा है। 6ठे नंबर पर है दक्षिण कोरिया। हालांकि दक्षिण कोरिया में यह गैर कानूनी है, लेकिन कोरियन वुमेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। दक्षिण कोरिया में देह व्यापार का कारोबार 12-13 अरब डॉलर का है,
यह जीडीपी का 1.6% है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के 20 से 64 साल के 20% पुरुष महीने में औसतन $580 देह व्यापार पर खर्च कर देते हैं फ्रेंड। और दक्षिण कोरिया में रेड लाइट एरिया यानी देह व्यापार से $12 अरब की कमाई करती है। नंबर 5 पर है अमेरिका। अमेरिका में आम तौर पर देह व्यापार कानूनी है, वहाँ लीगल है। हालांकि नेवाडा राज्य के कुछ इलाकों में यह गैर कानूनी भी है। अमेरिका में देह व्यापार के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन किया जा सकता है। इस कारोबार से जुड़े लोगों को टैक्स, कर्मचारियों की सिक्योरिटी, न्यूनतम सैलरी, इंश्योरेंस, मेडिकल के नियम बनाने पड़ते हैं और उसे मानने भी पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में रेड लाइट एरिया को चलाना कानूनी रूप से वैलिड है और यहाँ पे देह व्यापार से $14.6 अरब की कमाई होती है हर साल। और नंबर 4 पे है जर्मनी। अनुमान के मुताबिक जर्मनी में 40,000 सेक्स वर्कर हैं फ्रेंड। यह कानूनी है लेकिन सामाजिक दशा और अधिकारों से जुड़े कई नियम है यहाँ पे। सेक्स वर्कर को यहाँ भी एक सिक्योरिटी मिलती है और देह व्यापार के लिए मजबूर करना या स्थिति का लाभ उठाना यहाँ पर भी गैर कानूनी है। आप किसी के मजबूरी मतलब किसी से ज़बरदस्ती सेक्स नहीं कर सकते हैं। और जर्मनी में देह व्यापार से करीबन 18 अरब डॉलर की पर सालाना कारोबार होती है। नंबर 3 पे है जापान। देह व्यापार जापान के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 1956 के एंटी प्रोस्टिट्यूशन एक्ट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति यौन कर्मी नहीं बनेगा और ना ही ग्राहक बनेगा। लेकिन जो कानून बना था एंटी प्रोस्टिट्यूशन एक्ट, वो इतने वीक थे कि वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया और जापान में एक सेक्स उद्योग चालू हो गया। यह उद्योग इतना बड़ा है कि यह हर साल $24 अरब की कमाई करती है अकेला जापान। और नंबर 2 पर है फ्रेंड स्पेन। यूएन यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 40% ऐसे पुरुष हैं जो कभी न कभी रेड लाइट एरिया में गए हैं और दूसरे महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं फ्रेंड। तो स्पेन में भी रेड लाइट एरिया काफ़ी फैला हुआ है और स्पेन में भी $26.5 अरब का कमाई करती है हर साल, जो कि और देशों से काफ़ी ज़्यादा है। और नंबर 1 पर है चीन। दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स कारोबार उस देश में होता है जहां देह व्यापार गैर कानूनी है। जी हां दोस्तों, चीन में सेक्स रैकेट रेड लाइट एरिया चलाना इनलीगल है। चीन में सरकार यौन कर्मियों के साथ अपराधियों की तरह पेश आती है। समय समय पर छापे मारे जाते हैं लेकिन इसके बावजूद चीन के मसाज पार्लरों, बारों और नाइट क्लबों में ये एक फलता फूलता कारोबार है और दुनिया का सबसे यौन कारोबार चीन में माना जाता है। और चीन की जो कमाई है रेड लाइट एरिया से वो सबसे ज़्यादा है दुनिया में, $73 अरब। तो फ्रेंड इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेड लाइट एरिया है उससे कितनी ज़्यादा कमाई होती है। तो फ्रेंड इंट्रैक्ट आइडिया के इस वीडियो में आज हम कुछ जाने कुछ आंकड़ों के बारे में। तो अगर ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में जानने के लिए देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इंट्रैक्ट आइडिया। थैंक यू सो मच।